ने भी ये कार बाजार के बाहर जो कारें रखी हुई थी या जो भी ऐसा अतिक्रम कर रखा था उनको हटवाया और शहर में भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिर यहाँ पर एक सूचना मिली थी कि चारागाह भूमि पर शहर में विभिन्न स्थानों पर तो अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण है, इनकी जो शिकायतें आई हैं तो उनको लाइनअप करके कार्रवाई शुरू की गई नगर परिषद द्वारा। तो पहले तो इसी क्रम में जो जितने भी ये कार बाजार के बाहर जो कारें रखी हुई थी या जो भी अस्थायी अतिक्रम कर रखा था उनको हटवाया और शहर में भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिर यहाँ पर एक सूचना मिली थी कि चारागाह भूमि पर किसी ने जो है वो आचार संहिता के दौरान कुछ निर्माण वगैरह कर करके और बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र को चारागाह को कब्जे में ले लिया है। तो वार्ड नंबर 35 के आसपास की जो भूमि है तो शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचे तो मौके पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट की गई कि ये भूमि जो है सरकारी है और चारागाह की। तो प्रशासन ने फिर तुरंत निर्णय लेते हुए इसको यहाँ से जो अतिक्रमण है दीवार तोड़ के और कमरे वगैरह हटाने की कार्रवाई कर ली गई है। कितनी जमीन थी सर कम से कम? ये करीब 1200 गज जमीन है। कितने टाइम से कब्जा था इनका? कब्जा आसपास के लोगों से पूछा, जानकारी मिली है कि भाई इन्होंने रातों रात ही ऐसे करके और आनंद फानंद में आचार संहिता के दौरान जो है वो बनाया था।